हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें हमारे इस वीडियो में। देखिए, इसके पीछे काफ़ी लेडीजों का सवाल होता है कि हमको पी करने जाना है, यूरिन पास करने जाना है, तो इसको हमको निकालना होगा या फिर नहीं निकालना होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन डाउट्स मन में रहते हैं, या फिर हम इसको कितने घंटे तक लगा के रख सकते हैं, कितना ब्लड इसमें इकट्ठा हो सकता है, कितने साल तक हम बार बार इसको यूज कर सकते हैं, और कैसे इसको स्टराइल करना होता है, साफ़ इसको करना होता है। सारे डाउट्स, जो सारे सवाल हैं, वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो शुरू करें से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको भी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हर रोज़ हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पे लेके आते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पीरियड के ब्लड को इकट्ठा करती है, और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का ये बना होता है, काफ़ी सही मटेरियल का ये बना होता है, जो कि आपके अंदर जाके किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई इससे एलर्जी नहीं होती, कोई इंजरी इससे नहीं होती। जो लेडीज़ इसको यूज कर चुकी होती हैं, वो उनका एक्सपीरियंस के पीछे काफ़ी अच्छा रहता है। वो हमेशा यही बताती हैं कि वो पैड को हमेशा के लिए भूल गई हैं। देखिए, होता क्या है, जिनकी काफ़ी एक्टिव लाइफ है, यानी कि जो लेडीज़ डेली स्विमिंग के लिए जा रही हैं, या फिर रनिंग के लिए जा रही हैं, या फिर एक्सरसाइज करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उनको पैड लगाना काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा है। या फिर वो लेडीज हैं जिनको कि पैड से एलर्जी हो जाती है, रैसेस हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं लाल लाल, और इको फ्रेंडली भी है। जैसे आप नॉर्मली पैड यूज करते हैं, तो एक पैड आपका पूरे पीरियड में नहीं चल सकता, आपको कुछ घंटों में ही उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद दूसरा चेंज करते हैं। तो इस चक्कर में हमको पूरी लाइफ में, जब तक हमको मेंसेस चलते हैं, हमको कई हज़ारों लाखों के ऐसे हम इसके ऊपर खर्च कर देते हैं, पैड के ऊपर। पर आप जब मेंस्ट्रुअल कप लेंगे एक बार, वो आपके 10 से 12 साल आराम से चल सकता है। जी हाँ, बस आपको उसको अच्छे से स्टराइल करना होगा, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे स्टराइल इसको कर सकते हैं, कैसे इसकी सफाई आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके साइज की। साइज़ में आपको तीन साइज़ इसके मिलेंगे, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़। जो स्मॉल साइज़ होता है, वो उन लड़कियों के लिए होता है जिनके पीरियड अभी शुरू हुए हैं, या फिर जो टीनएजर की लड़कियां हैं, उनके लिए स्मॉल साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ जो मेंस्ट्रुअल कप का होता है। उसके बाद जो मीडियम साइज़ है, मीडियम साइज़ उन लड़कियों के लिए होता है जो अभी तक एक भी बच्चे को, जिनने जन्म नहीं दिया है, यानी कि अभी एक बार भी वो माँ नहीं बनी है, यानी कि उनकी डिलीवरी अभी नहीं हुई है। और अब बारी आती है लार्ज साइज़ की। लार्ज साइज़ उन लड़कियों के लिए होता है जो एक या दो बच्चे को जन्म दे चुकी होती हैं, क्योंकि उससे साइज भी आपके नीचे सर्विक्स एरिया का बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपको लार्ज साइज लगता है। लार्ज साइज उन लड़कियों को भी लगता है जिनका कि वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इससे नहीं समझ पा रही हैं, तो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाएं, और जब उनसे आप ले रही हैं, तो नीचे से वो आपका साइज चेक करके बता देती हैं कि आपको कितने साइज का फिक्स रहेगा। तो इससे आप इजीली समझ पाएंगी और फिक्स जो साइज होगा आपका, वो ले पाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि इसको यूज कैसे करना है, कैसे निकालना है। तो देखिए, इसको यूज करना काफ़ी आसान होता है। आप एक बार यूट्यूब में वीडियो देख लेंगे कि इसको कैसे यूज करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे आप कोई भी वीडियो को वॉच करके एक बार में ही आसानी से सीख जाएंगी। बस आपको प्रैक्टिस की देरी होगी, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगी तो परफेक्ट आप हो जाएंगी, फिर हमेशा के लिए आप पैड को भूल जाएंगी। तो मोस्टली जो लेडीज़ यूज करती हैं, वो सी सेप बना के यूज करती हैं, जैसे कि आप इमेज पे देख रहे होंगे, सी सेप बना के अपने नीचे वजाइना में अंदर इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करके जब आपको लगेगा कि अब ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, चीज़ टच हो रहा है, अब ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे आपको उसको छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक अंदर खुल जाएगा, अपना सेप वहाँ पे ले लेगा और फिक्स वो हो जाएगा, एक तरह से वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि वो निकलेगा नहीं। बहुत सी लेडीज़ डर जाती हैं कि ये निकलेगा तो फिर क्या होगा, तो घबराना नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर लेता है और वहाँ पे वो फिक्स रहता है। इसमें जो टेल दी होती है, उसको आपको जब भी ये भर जाए, उसको खींचना होता है और अच्छे से रिमूव कर सकते हैं।
देखिए 10 से 12 घंटे तक इसको आप यूज कर सकते हैं। और जिन लेडीजों को ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो 6 से 7 घंटे में भी इसको रिमूव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको ब्लीडिंग कितनी होती है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आप जल्दी भी इसको निकाल सकती हैं, नहीं तो आप 10 से 12 घंटे तक भी इसको लगा के रख सकती हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको निकालना होता है, जैसे मैंने बताया, इसकी जो टेल होती है उसको पुल करना होता है, खींचना होता है, उसके बाद आप जो भी ब्लड इसमें जमा है उसको आप फेंक सकती हैं। इसके बाद इसको वॉश करके आप इजीली इसको दोबारा यूज कर सकती हैं, जैसे आपने पहले इसको अंदर डाला था। अब बारी आती है कि इसको आपको, जब आपने, आपके पीरियड ख़त्म हो गया, पीरियड के दिन थे वो ख़त्म हो गए, अब आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इसको कैसे स्टराइल करना है, कैसे साफ़ करना है, ताकि आप नेक्स्ट मंथ, अगले महीने भी इसका उपयोग कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन में आपको पानी लेना है और उसको काफ़ी उमाल लेना है। उबलते हुए पानी में जो ये कप है, मेंस्ट्रुअल कप है, इसको डाल देना है और 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से उबलने देना है। उसके बाद गैस को बंद कर देना है। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको हल्का ड्राई करके आपको जो भी इसके साथ जो पाउच आया है उसमें इसको डाल देना है अच्छे से। और जब नेक्स्ट टाइम आपको पीरियड आ रहे हैं तो उस टाइम आप इसको दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं। चाहें तो उस टाइम भी आप एक बार स्ट्राइल कर सकते हैं, वरना इतनी ज़रूरत होती नहीं है स्ट्राइल करने की। आप अगर अच्छे से रख रहे हैं इसको संभाल के पाउच के अंदर, तो इसको दोबारा आप अपने नेक्स्ट टाइम पे यूज करते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हमको पी करने समय, यानी कि यूरिन करने समय, पेशाब करने समय हमको इसको निकालना होगा क्या? बहुत सी लेडीजें इसी डर से मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग नहीं करती, तो बिल्कुल भी इसको आपको रिमूव नहीं करना होता है, कोई भी परेशानी इसमें आपको नहीं आएगी। देखिए इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एनाटॉमी की तरफ ले जाती हूँ। इसके लिए आपको समझना होगा, इसका स्ट्रक्चर है उसको आपको समझना होगा। नीचे 2 छेद होते हैं, जो ऊपर का छेद होता है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, जिससे हमारी यूरिन बाहर आती है, ऊपर का छेद होता है जो छोटा होता है। उसके बाद जो नीचे का छेद होता है जिसे हम वेजाइना कहते हैं, वेजाइना का होल जो होता है उसे वेजाइना कहते हैं। वहीं से आपके हर मंथ पीरियड भी आते हैं और वहीं से आप सेक्स करते हैं और वहीं से आपकी डिलीवरी भी होती है। तो ये डाउट तो मैंने आपके क्लियर कर दिए कि वहीं से डिलीवरी होती है और वहीं से आपके पीरियड आते हैं और वहीं से सेक्स भी होता है। तो 2 छेद होते हैं, एक ऊपर छेद होता है, एक नीचे छेद होता है। नीचे वाले छेद से आपके पीरियड आते हैं और बच्चा भी वहीं से होता है और सेक्स भी होता है। और जो ऊपर का छेद होता है उसका केवल यही काम होता है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसका काम होता है आपकी यूरिन को, आपके पेशाब को बाहर निकालना। तो ये तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जब हम जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको हम नीचे वाले छेद में इंसर्ट करते हैं, वेजाइना जो होता है उस पे इंसर्ट करते हैं, तो आपको जब आप पी करने जा रहे हैं, यूरिन करने जा रहे हैं, तो आपको इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो छेद होता है यूरिन का, यानी कि यूरिथ्रा जो होता है, वो ऊपर साइड होता है, तो यूरिन आप आसानी से पास कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस इसमें नहीं होगा, कप आपका रिमूव नहीं होगा, वो तो अंदर जाके एकदम फिक्स हुआ है आपकी सर्विक्स एरिया में, तो उसको आपको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि इनको यूज करने के बाद इनके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, क्या हमें इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा? तो बहुत ही रेयर ऐसे केस देखे गए हैं, ऐसी लेडीज़ देखी गई हैं जिनको कि इन्फेक्शन इसके बाद हो सकता है, वो भी तब अगर जब आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखेंगी, यानी कि 10 से 12 घंटे बाद आप उसे रिमूव नहीं कर रही हैं, या फिर जब आपके पीरियड डेट ख़त्म हो जा रही है, पीरियड का टाइम ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ के लिए उसको स्ट्राइल करके उमाल के अच्छे से नहीं रख रही हैं, तो इस केस में जो मेंस्ट्रुअल कप है वो अनहाइजीनिक हो जाता है, तो इस केस में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी लेडीजों को जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।